Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. Today's topic is radio frequency coil or RF coil. This is the last video of MRI system. Please watch previous one before watching this. So let's begin. RF coil. RF coil kya hoti hai? A loop of wire hoti hai jo transmit aur receive dono signal ke liye use ki jati hai. इसलिए इसको ट्रांसीवर कहते हैं, ट्रांसमिट और रिसीव दोनों के लिए. इसकी रेंज होती है एक मेगाहर्ट्ज से 10 गीगाहर्ट्ज. अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ट्रांसमीटर कॉइल सेंड एप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड फ्लिप एंगल टू डिटेक्ट और टू रिसीव द आरएफ कॉइल्स. उतना सिग्नल्स भेजती है फ्लिप एंगल से और वो सिग्नल्स रिसीविंग आरएफ कॉइल रिसीव करती है. सेम काम है रिसीव का ट्रांसमिट का जैसे है, ट्रांसमिट सिग्नल भेजती है, रिसीविंग एंड रिसीव करती है. बट रिसीविंग एंड को पास रखा जाता है तो उससे सिग्नल की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है और इमेज भी अच्छी आती है. फिर आता है वैरायटी ऑफ आरएफ कॉइल. कॉइल्स कितने टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज़ वॉल्यूम कॉइल. वॉल्यूम कॉइल जो वॉल्यूम एरिया को डिज़ाइन की जाती है, जो रिसीव और ट्रांसमिट के लिए यूज़ की जाती है, लाइक हेड कॉइल और नी कॉइल. फिर आता है लीनियर वॉल्यूम कॉइल. इसमें क्या होता है, ओनली वन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस प्लेन, या तो एक्स प्लेन या वाई प्लेन को वो रिकवर करती है. फिर आती है सरफेस कॉइल, जो बॉडी पार्ट्स लाइक एब्डोमेन के लिए यूज़ की जाती है और वो वेरी क्लोज टू द बॉडी होती है, इसलिए इसको सरफेस कॉइल कहते हैं. फिर आता है फेज्ड एरे कॉइल. इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है मैनी सरफेस कॉइल का, और जो लाइक MRCP में यूज़ की जाती है उसको फेज्ड एरे कॉइल कहते हैं, जो 4 चैनल और 6 चैनल की होती है. फिर आती है क्वाड्रेचर वॉल्यूम कॉइल. इसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस में हम सिग्नल रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं. लीनियर वाले में एक था, इसमें दोनों है, इसलिए इसको क्वाड्रेचर वॉल्यूम कॉइल कहते हैं. लास्ट कंपोनेंट है हमारे सिस्टम का कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज. ये लास्ट कंपोनेंट होता है और इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, स्टोरेज, व्यूइंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग. कंप्यूटर सिंपली यू कैन सी द पोस्ट प्रोसेसिंग एंड इसमें इमेज व्यूइंग करते हैं, देखते हैं, और फिल्मिंग लाइक. दैट्स ऑल फॉर MRI सिस्टम, नॉट मोर देन दिस. डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.